कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं ने कोई अपराध किया है? क्या बलात्कारियों को सजा देना पाप है? क्या अनाचारियों को जेल भेजकर कड़ी से कड़ी सजा की मांग करना पाप है? क्या पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाना पाप है? क्या पीड़िता के परिवार के साथ खड़े होकर उनके आंसू पोंछना पाप है? अगर ये अपराध है, पाप है, तो राहुल गांधी जी, उनके साथ साथ प्रियंका जी और कांग्रेस के सांसद और नेतागण और कार्यकर्तागण ये अपराध बार बार करेंगे। कायर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डरपोक हैं आदित्यनाथ, जो डर कर छिप गए हैं इन हजारों पुलिस कर्मियों के लाठियों और संगीनों के पीछे, जो समझते हैं कि संगीने और लाठियां पीड़िता के न्याय की गुहार को दबा पाएंगी। पर भूल जाओ आदित्यनाथ, तुम्हारी पुलिस की लाठियां, गोलियां और दमन चक्र ना कांग्रेस को दबा पाएगा, ना पीड़िता के लिए न्याय की गुहार को। तो पूरा का पूरा प्रशासन सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में हाथरस के उस गांव में कैसे जा रहा है? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने कहा वो अकेले जाने को तैयार है। अगर वो अकेले जाने को तैयार हैं, तो फिर 144 की वायलेशन कैसे है? पहले भी आपने उन्हें अकेले जाने से रोक दिया, वो अकेले जाने को भी तैयार थे, आप रोक क्यों रहे हैं? ये दिखाता है कि भाजपा कायर है और योगी डरपोक है। रणदीप सुरजेवाला आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर। और लेकिन अब बड़ी खबर इस वक्त यही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कुल 5 लोग जो हैं वो हाथरस जाएंगे, उन्हें इजाजत मिल गई है। लेकिन जबरदस्त हंगामा हुआ है डीएनडी पर, नोएडा डीएनडी पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। मौसमी, क्या स्थिति है इस समय? जी फ्रेम खोलो तो दिखे। बोलिए बोलिए मौसमी, बताइए क्या चल रहा है। जिस स्थिति ये है, अपडेट दे रहे हैं कि डीएनडी पहुंच गई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डीएनडी पहुंच गए। जितिन प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितिन, 5 लोगों को अनुमति दे दी गई है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत। राहुल जी तो पहले ही कह चुके थे कि वो अकेले जाने को तैयार है परसों, और देखा आपने उसके बाद भी इस सरकार ने षड्यंत्र के रूप में उनको धाराएं लगा के अरेस्ट कर लिया था। ये सब तमाशा, इतनी फोर्स लगी है किस बात के लिए लगी है? अगर पहले ही परमिशन दे दें तो क्यों इतना लोगों को इतना कष्ट हुआ? किसी को संवेदना प्रकट करना कोई अपराध है इस देश में क्या? इस तरह से राहुल गांधी जो चुनौती दे रहे थे कि कोई रोक सके तो रोक ले, ट्वीट करके कह रहे हैं, पूरा रेला आप लोग लेके आए, कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां भी उड़ा रहे। कोई कानून की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता है। जो परसों हुआ राहुल जी के साथ दुर्व्यवहार, वो पूरे देश ने देखा। किस बात के लिए रोका गया? सरकार क्या छुपा रही है? आपने भी देखा, उस परिवार को अपनी बेटी के अंत्येष्टि में नहीं जाने दिया, मीडिया नहीं जाने पर। क्या मकसद है राहुल गांधी का? क्योंकि सियासी रोटियां भुनाने का आरोप लगा रही है भाजपा लगातार। क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाना चाहते हैं आप, जब आला अधिकारी जा चुके हैं प्रशासन? मैं बताता हूँ कि ये आला अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने इस मामले को दबाया, जिन्होंने उस बेटी को इलाज नहीं करवाने दिया, जिसने धाराएं बदल दी, जिन्होंने परिवार को अंत्येष्टि नहीं देने दी। तो राहुल जी, सार्वजनिक जीवन में अगर हम लोग हैं तो हमारा परम कर्तव्य है उस असहाय परिवार के साथ खड़े हों इस कष्ट की घड़ी में। असहाय परिवार के साथ खड़े होने की कोशिश